नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल एडिशन में। मैं हूं आपके साथ अनंत। उत्तर प्रदेश पिछले दो महीने से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीजेपी सरकार बनते ही सीएम योगी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए और ताबड़तोड़ फैसलों ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसके साथ ही बूचड़खानों पर कार्रवाई और एंटी रोमियो स्क्वाड की मुहिम से एक्शन वाले सीएम के रूप में योगी जी को पेश किया जाने लगा। लेकिन अचानक उत्तर प्रदेश के अपराधी तत्व सर उठाने लगे, कहीं गौरक्षकों के रूप में तो कहीं जातिवादी मुखौटा पहनकर राज्य भर में उत्पात मचाने लगे। सहारनपुर में जाति आधारित हिंसा के बाद मुरादाबाद, संभल, आगरा में भी दलितों का आक्रोश भड़कने लगा है। अभी जाति आधारित हिंसा की आग थमी नहीं थी कि जेवर बुलंदशहर के मामले ने सबको हिलाकर रख दिया। इसके साथ ही प्रदेश भर से एक दिन में ही अपराध की कई वारदातें सुर्खियां बनने लगी। सीएम योगी ने अपने पसंद के पुलिस अधिकारी और जिलाधिकारी तैनात कर दिए। उसके बावजूद प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को ही चुनावी मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कई बार कहा कि प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अब बदले हालात में यही बात समाजवादी पार्टी के नेता दोहराने लगे हैं। तो वहीं बीजेपी इन मामलों को उठाने पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। विपक्ष और सरकार की इस राजनीति के बीच पिस रहा है प्रदेश का आम आदमी और खासकर वो जिसकी कहीं पहुंच नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाओं पर लगातार इजाफा हो रहा है। योगी सरकार ने जहां अपनी एंटी रोमियो स्क्वाड का एक्शन दिखाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन रामपुर में दिन दहाड़े दो लड़कियों के छेड़ते हुए मनचलों का वीडियो सामने आया। तो वहीं कुशीनगर में बलात्कार के आरोपी ने जेल से छूटकर पीड़ित के परिवार को धमकी दी। तो वहीं श्रावस्ती में देर रात एक महिला को सर में गोली मारने के बाद उसको जला दिया गया। सवाल यह है कि योगी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महिलाओं के साथ अपराध रोकने का नाम नहीं ले रहे, तो आखिरकार क्यों? वहीं जहां बीजेपी सरकार विपक्षी दलों पर दलितों पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सिद्धार्थनगर में 21 मई को एक दलित नाबालिग बच्चे के अपहरण के बाद कई दिनों तक तहरीर तक नहीं लिखी गई। अब मीडिया में खबर आने पर आला अफसर रिपोर्ट दर्ज करने की बात कह रहे हैं। ये योगी राज की तीन तस्वीरें हैं जो पिछले 24 घंटों में सामने आई हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि योगी सरकार का इकबाल कमजोर पड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बलात्कार पीड़ित का परिवार दहशत में जीने को मजबूर है, तो रामपुर में मनचले दो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर बता रही है कि श्रावस्ती में भी अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। यहां एक महिला को सिर पर गोली मारकर जला दिया जाता है। योगी सरकार भले ही भयमुक्त समाज का दावा कर रही है, लेकिन कुशीनगर का एक परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के गांव में 8 अगस्त 2016 को एक लड़की के साथ रेप हुआ था। आरोपी राजन चौहान कोर्ट से जमानत होने के बाद होली के वक्त जेल से छूटकर घर आया। अब उसने एक बार फिर लड़की के घर जाकर उसको फिर से उठाकर ले जाने की धमकी दी, जिससे पूरा परिवार दहशत में है और कई महीने से लड़की को अपनी रिश्तेदारी में छिपाकर रखा गया है। आरोपी राजन चौहान ने लड़की के भाई से भी मारपीट की। लड़की के भाई ने पुलिस का हेल्पलाइन नंबर डायल किया, लेकिन पुलिस आई और सबको समझा बुझाकर चली गई और कोई कार्रवाई नहीं की। अब पीड़ित परिवार योगी से न्याय की गुहार लगा रहा है। इस मामले में पुलिस अब भी जरूरी कार्रवाई का आश्वासन ही दे रही है। ये घटना काफी पुरानी है और ऐसी कोई बात नहीं है, और जो अभियुक्त है उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, गुंडा एक्ट कार्रवाई की है, 110 जी कार्रवाई की है, जो पुलिस कार्रवाई की है, और ऐसी शिकायत मिल रही है तो फिर इस वक्त बता रहा हूँ मैं, उस पर देखे क्या हो सकता है। तो वही रामपुर में खुलेआम मनचले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और वीडियो बनाने को कह रहे हैं। तस्वीर में साफ है कि खुलेआम भरी दोपहर में दो लड़कियों के साथ सुनसान जगह पर 5-6 मनचले छेड़छाड़ कर रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि लड़कियां अपनी इज्जत की गुहार लगा रही थी, लेकिन इन मनचलों पर शैतान सवार है। इससे साफ है कि यहां बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। इन्हें ना तो कानून का खौफ है और ना ही सरकार से डर। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को तो दबोच लिया, लेकिन बाकी अभी फरार है। तो वहीं श्रावस्ती में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और उसको जला दिया गया। मामला श्रावस्ती के इकोना थाना के अंतर्गत सेमरी तरहर का है। यहां सड़क पर देर रात एक महिला को सर में गोली मारने के बाद जला दिया गया, जबकि घटनास्थल से पुलिस चौकी की दूरी महज 1 किलोमीटर है। महिला का चेहरा बुरी तरह से जला होने के चलते शिनाख्त नहीं हो सकी।
फॉरेंसिक टीम के सबूत जुटाने के बाद लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था ने उस समाजवादी पार्टी को भी योगी सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया, जिसे बीजेपी ने इसी मुद्दे पर सत्ता से बेदखल किया था। बुलंदशहर के हादसे के बाद हर शख्स को कम से कम अपनी घर की औरत को कोशिश करना चाहिए वो घर में रहे। इन लड़कियों को भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ बेशर्मी का नंगा नाच होता। तो हम तो योगी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे और मीडिया को भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के हर कोने में अपराधियों के मंसूबे बुलंद हो गए हैं। खासकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पूर्वांचल से ही हैं और पूर्वांचल में ही अपराध में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में एक नाबालिग दलित बच्ची को गांव के दबंग 21 मई को अपहरण करके ले गए, लेकिन पुलिस लाचार है। थाना क्षेत्र के रीवा नानकर गाँव में बच्ची अपनी माँ के साथ शौच के लिए गई थी। इसी दौरान गाँव ही के दबंग बलराम ने कट्टे के बल पर इस बच्ची का अपहरण कर लिया। परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। 7 दिन बाद मीडिया के संज्ञान लेने तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। थाने से थक हार कर पीड़ित के परिजन पुलिस के आला अफसरों के पास गए तो अब मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। हमारी लड़की का जबरदस्ती हाथे हाथ पकड़ कर मोटरसाइकिल बैठा कर लड़का चल गया। हम चिल्लाए लगली तैसे हमारे सीने कट्टा धई रहना। वगैरह बाद जब लड़का भाग लहना वगैरह बाद हम चिन्हली बाली राम हमारे बेटी और लड़का मोटरसाइकिल लड़का बैठा चल गया। हाँ अब वहाँ उसका थाने फिर दरखास्त छोड़ ली साहेब केहू नई कारगिरी कैली केहू अबे नई भेल कहाँ चलो बैठा हम फोन करब तब तुहन पचन आये। हम लड़की चाहत है हम मुकदमे नहीं जब लड़की मिल जाएगी तो हम तुमको बुलाएंगे। दलित बच्ची के अपहरण के बावजूद प्रदेश की पुलिस FIR दर्ज करने पर जिस तरह से टाल मटोल कर रही है उससे साफ है कि अपराधी तो अपराधी, पुलिस तक को योगी जी का खौफ नहीं है। पीएम मोदी की तर्ज पर आदित्यनाथ योगी ने भी सख्त प्रशासक होने का दावा किया था। अपराधियों को कह दिया गया कि अगले 5 साल तक यूपी से बाहर चले जाएं, लेकिन अपराधी और पुलिस योगी जी को सिर्फ जोगी समझने की गलती कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APA। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और एक लगातार होती घटनाएं इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं कि सरकार इस मोर्चे पर विफल होते दिख रही है। लेकिन आखिरकार क्यों हो रही है? ये वही पार्टी है जो कि पिछली सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर कर ही जनता का विश्वास जीता और जनता ने इनको सिरमौर बनाया। उसके बाद क्यों बीजेपी की सरकार मौजूदा सरकार विफल होती दिख रही है, इसका कारण हम समझेंगे। कुछ खास नवान हम तो जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ नरेंद्र सिंह राणा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ आनंद लाल बनर्जी हैं, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश पुलिस। ओमकार नाथ सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। अनिल दुबे आरएलडी से हमारे साथ हैं। SR दारापुरी पूर्व IG हमारे साथ हैं और अजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत नरेंद्र जी मैं आप ही से करूंगा। एंटी रोमियो स्क्वाड, चुस्त प्रशासन, दुरुस्त व्यवस्था, सब कहां है? प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आप ये घटनाएं दिखा रहे हैं और इसमें ये भी साथ में बता रहे हैं कि पुलिस कहां कहां कार्रवाई नहीं कर रही है, यानी पीड़ित जो है वो जाता है तो उसके खिलाफ जो है पुलिस पूरा सहायता जो करनी चाहिए वो नहीं कर रही है जी। मुख्यमंत्री जी के बारे में जहां तक हमारे निर्देश हैं या सरकार के निर्देश हैं या DGP के निर्देश हैं तो ऐसे किसी भी पुलिस कर्मी को या जो पीड़ित की वो ठीक है विवेचना के बाद वो दोषी है कि नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अभी भी जो इशारा है वो मुझे लगता है कि पुलिस कर्मी जो है वो ठीक तरह से अभी उसको निचले स्तर पर, ये बड़े स्तर पर तो संभव हो गया है, अब ये जगह जगह जो जिस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि हम ये पत्थर पर लिख के आए हैं कि हम जीरो टॉलरेंस, हम इसमें भ्रष्टाचार शून्य, अपराध शून्य, ये रेत पे लिखी लाइन नहीं है इस सरकार की। जो लोग ये समझते हो कि हम किसी कारण से या हम किसी दबाव में आकर सरकार की तरफ से कोई छूट मिल जाएगी, ऐसा असंभव है। हमारा बिल्कुल आपने सही कहा, हमारी सरकार ही बनी है ये कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो हम इस पर पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हैं, लेकिन पूरा रिजल्ट
मैं इतना कह सकता हूं कि अंधेरा कभी उजाले से हारा नहीं करता और धूप कितनी भी तेज हो कभी समुद्र सूखा नहीं करता। तो हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अधिकारी अभी भी आदर्शवादी बातें आप समझ रहे हो, निर्देश चाहे आपको जो हो, कमी चाहे जिसकी हो, भुगत रही है प्रदेश की जनता आपकी बातों से, सर स्थिति मेल नहीं खा रही है, दोनों चीजें बिल्कुल विपरीत है। अनंत जी जिस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला था, हमने पहले दिन से ही, और ये कोई भी कहे कि किसी अपराधी को बचाने का प्रयास किया गया, किसी घटना में किसी राजनीतिक का संरक्षण प्राप्त हुआ, घटनाएं क्यों नहीं रुकती थी और घटनाएं क्यों रुकेंगी, इस पर जो है जरा घटनाएं ना रुकती थी और अगर आप कहते हैं तो ना ही रुक रही हैं जी। संरक्षण केवल संरक्षण था जो पूरी तरह खत्म है। अब ये थोड़ा दिए में जो भी अपराधी ये सोच रहे हों तो वो एक आखिरी उनकी लो है, वो जब बुझ जाए उस दिन का हमें भी इंतजार है। योगी जी के भाषण को अधिकारियों का रिफ्रेम करके आप कह रहे हैं, ठीक है ओमकाणा जी, आपके पास आऊंगा, क्या जितना वक्त मौजूदा सरकार को हुआ है 65 दिन के आसपास में, क्या वक्त इतना कम है कि कम से कम आप जैसी व्यवस्था थी उतनी ही मेंटेन कर ले? अब तो सरकार बनने के बाद तो लगातार ग्राफ बढ़ा है क्राइम का। देखिए अनंत, आपने इतनी ज्यादा घटनाएं दिखाई हैं, जब मैं उन सब चीजों को लेके बार बार बोलूं तो वो ठीक नहीं है जी। सरकार की इस पे आलोचना भी करूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आलोचना करने से सरकार के ऊपर कुछ होने वाला असर है कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हर शासन का क्या होता है, एक इकबाल होता है और इकबाल पूरा खत्म हो चुका है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। एक तो इनके पास ऐसे अधिकारी नहीं है जिन अधिकारियों के नाम पे क्षेत्र के अंदर जनता जो है दहल जाती थी, घबराती थी कि ये आ गए हैं तो अब कुछ ना कुछ हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम कायदे से नहीं रहे। ऐसे पुलिस में इंस्पेक्टर लेवल पर, सब इंस्पेक्टर लेवल पर, डिप्टी एसपी लेवल पर, एसपी लेवल पर और डीआईजी लेवल पर बहुत से ऑफिसर्स रहे हैं जिनका एक अपना इकबाल रहा है और जब वो कहीं जाते थे तो वहां आधा क्राइम उनके जाने पे कंट्रोल हो जाता था जी। तो ये सारी चीजों का इनके में अभाव है। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, आने के साथ इन्होंने पुलिस को ये कर दिया कि पुलिस एकदम निकम्मी है, अब तुम सुधर जाओ नहीं तो हम ठीक कर देंगे। बिल्कुल, काम जिससे लेना है उसको उसमें ताकत भरी जाती है कि उसको जलील किया जाता है। जब आप जलील करोगे तो आधा तो घबरा जाता है कि पता नहीं मेरे कौन से काम से गड़बड़ी हो जाए और हम क्या कहते हैं सस्पेंड हो जाए, तो जिसकी वजह से वो कायदे से काम नहीं कर पाता है जी। राणा साहब बोल रहे जीरो टॉलरेंस है, जहां जहां घटनाएं घटित होती हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं पुलिस वालों से लड़ने के लिए। लखनऊ में कई ऐसे इंस्टांस है, अभी बीकेजी में आपने देखा होगा बख्शी के तालाब पे कितना बवाल हुआ, एक पुलिस वाले ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, पूरा का पूरा भाजपा जो है लीडरशिप वहां पहुंच गई और झगड़ा करने लगी, छुड़ा लिया। डिप्टी कलेक्टर के साथ में एक वकील से झगड़ा हुआ, हाथ मरोड़ के उसने उसका मोबाइल छीना मारपीट के और उसको थाने से जमानत दे दी। तो इनके सारे नेता हर जगह पहुंच जा रहे हैं। आगरा में देखिए भाजपा के ही नेता ने डिप्टी एसपी को हाथ चला दिया, सब जगह लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एसएसपी के यहाँ देखिए आप सहारनपुर में जाके तोड़फोड़ की, तो आप जीरो टॉलरेंस किस चीज की कर रहे हैं? इनमें से किसी के खिलाफ अगर आपने कोई मुकदमा लिखा होता, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की होती तो समझ में आता कि भाई आपकी जीरो टॉलरेंस से आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हल्ला करने से बोलने से काम नहीं चलेगा जी। काम आपको करना है जब आप सुधार करेंगे, जब कंट्रोल करेंगे तभी कोई बात हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। नरेंद्र सिंह राणा जी, जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो ना हो, लेकिन बीजेपी के नेताओं की पुलिस वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस है? नहीं, देखिए जिस प्रकार की घटनाओं का ओंकार जी ने जिक्र किया, जैसे जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि अगर कानून अपने हाथ में लेता है या हमारा कोई कार्यकर्ता लेता है, तो मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुल्खान सिंह जी का एक बयान, जब वो डीजीपी बने थे, हमारे कार्यकर्ता तो जो है उल्टा कहते हैं कि साहब हम जो है किसी से कुछ बोल ही नहीं सकते, इतने ही छूट दी हुई है। आपने कहा पुलिस का मनोबल गिराया, अरे पुलिस के प्रमुख का मनोबल बढ़ाया है उसने, पूरी पुलिस का बढ़ाया है। इसी पुलिस के मनोबल को हमने कोई बदले की भावना से काम नहीं किया। नरेंद्र जी, ये बात तो आप मानेंगे पुलिस वालों के साथ अक्सर बदतमीजियां की गई
हैं आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा? हमने उन कार्यकर्ताओं को, मैं आपको दो चीजें बता सकता हूं कि हमारी वर्किंग कमेटी में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, यदि इस प्रकार की कोई घटना। चलिए, क्या एक्शन हुआ बता दीजिए मुझे। मेरठ में जो पुलिस वालों साहब बदतमीजी की थी, एसडीएम का हाथ उनका मोबाइल छीना गया, मैं बता रहा हूं, मैं सांसद खाल तोड़वाने की बात कहती है, क्या कार्रवाई हुई इनके खिलाफ जो है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई तो सर क्या हुई आप बता दीजिए, अपने सांसद के खिलाफ भी की तो सर क्या कार्रवाई हुई उसके बाद ये जो घटनाएं हैं? नहीं, कार्रवाई हुई, उनको बुला के पूछताछ की जाती है कि कैसे ये घटना हुई। अच्छा। उसमें क्या सत्य है, और यदि वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने हाँ। किसी को रोके नहीं कार्रवाई करने, कोई कार्यकर्ता गलत, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो आपको सर, जिनके ऊपर आरोप, मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र जी के ऊपर आरोप लगे, उनमें से कोई कार्यकर्ता गलत मिला आपको? आनंद जी, मैं आज लखनऊ आया हूँ, देवबंद के अंदर हमारा विधायक जो है मुझे मिला, उसने कहा साहब हमारे पुलिस में ने जो है जितने लड़के थे, खासकर जो अपने अपर कास्ट के थे, सब उठा लिए, उनके पास तो जमीन भी नहीं है, वो तो नौकरी कर रहे थे, वो तो आ रहे थे, बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें, ऐसा नहीं है कि कानून सबके लिए है, लेकिन कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी बात में मानेंगे सर, अगर आप दलील दे पाते तो इस बात पर विश्वास जरूर किया जाता, अगर आप उदाहरण दे पाते तो इसका विश्वास जरूर किया जाता। आनंदा बनर्जी साहब के पास दिया देवबंद का उदाहरण जी, मुख्यमंत्री से मिलने सब लोग आ रहे हैं हाँ। कि साहब कोई सुन ही नहीं रहा हाँ। तो ऐसा नहीं कि कानून कोई बेकसूर भी जो कार्यकर्ता है उनको भी कि नहीं साहब दंगा भड़क सकता, मतलब कहने का मतलब कड़ाई में कोई कमी नहीं है, और नतीजे में कुछ नहीं है आपके पास नरेंद्र जी, नतीजे भी कुछ नहीं है, नतीजा तो मिलेगा जी। चलिए सर, अच्छी बात मिलेगा, कब मिलेगा इंतजार रहेगा इसका। बैरजी सर, आपके पास मैं आऊंगा कि प्रशासन की, सरकार की यहाँ पर कमी आती है, जो पुलिस या फिर जो पुलिस के ऊपर यहाँ पर आरोप लगाया जाता है कि पुलिस काम नहीं कर रही, कमी वहां पर रहती है, किस एंड पर कमी देखते हैं आप? देखिए अनंत जी, आपने जैसा कहा और इस बहस के दौरान एक बात आई थी कि पुलिस का इकबाल नहीं रह गया, प्रशासन का इकबाल नहीं रह गया जी। हम लोग इस बात को तय कर लें कि इकबाल है क्या जी। मेरे विचार से इकबाल रूल ऑफ लॉ है, बिल्कुल कानून का पालन करना, और रूल ऑफ लॉ में सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी किसी के प्रति हम भेदभाव नहीं करेंगे जी। अगर ये स्थापित हो जाए तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही इकबाल जिसको आप कहते हैं वो कायम हो जाएगा, लोगों को मालूम रहेगा कि हम यहां जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात कही जाएगी जी। नंबर दो, आपने चार वाकये दिखाए यहाँ पे जी, इस पर जिसके बारे में मुझे कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, मगर जो टीवी से उपलब्ध है उसके आधार पर मैं बात करूंगा। नंबर एक, जो रामपुर की घटना है जी, रामपुर की घटना उन जिन लोगों ने कारित किया है उन लोगों ने खुद ही उसका वो बनाया, वीडियो बनाया है और उसको वायरल किया जी। उसमें ये मुझे बताया गया है कि 14 आदमी नामजद हैं, एक को पकड़ लिया गया है, बाकी आइडेंटिफाई हो गए हैं, और वहां की अब वहां के एसपी को, वहां के पुलिस प्रशासन को यह चाहिए कि लग के सबको जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, 14 के नाम है, पता नहीं 14 है कि नहीं है, 14 से ज्यादा है कि 14 से कम है, यह तय करके उनको पकड़ लें और उनके खिलाफ जो है केवल उस इसका मुकदमा ना कायम करें, अन्य एक्ट, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, जो भी लगाया जा सकता, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, उसको लगा के एक उसका उदाहरण बना दें जी, और उनका बेल ना होने दें। लेकिन ये सब चीजें सर किए जाने की जरूरत है, अगर चीजें नहीं हो रही हैं इसलिए चीजें निरंकुश लगातार हो रही है, इसलिए अपराधी भी निरंकुश और त्रस्त जो है जनता हो रही है। अनिल दुबे, आपके पास मैं आऊंगा इस चीज को लेकर कि फिर पिछली सरकार पर जो आरोप लगते थे और इस सरकार में जो कारगुजारें हो रही हैं, दोनों में अंतर क्या रह गया? अनिल जी, जी अनिल जी, आपकी तो आवाज आधी आई आधी नहीं आई। सर सवाल मेरा यह है कि जो बीजेपी जो सपा सरकार के कार्यकाल पर आरोप लगाती थी कि वहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है, और आज जो बीजेपी की सरकार में हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, दोनों तस्वीरों में अंतर क्या रह गया है? बिल्कुल अनिल जी, पिछली सरकार पर आरोप लगे थे, पिछली सरकार पर आरोप लगे थे और उस पर कहीं ना कहीं उन आरोपों में उत्तर प्रदेश की जनता को सच्चाई लगी थी, तो उन्होंने एक बदलाव किया कि पिछली सरकार में उनको लगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है जी। और
एक उत्तर प्रदेश में जंगल राज सी स्थिति बन रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बड़े मैंडेट के साथ, बड़े जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी। और उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता के मन में था कि कहीं न कहीं सड़कों पर रामराज दिखाई पड़ेगा। जो ये भाषणों में कहते थे कि बहन बेटियों की इज्जत अब सुरक्षित रहेगी, ये सारे विश्वास कि हम सड़कों पर चल सकते हैं, कहीं छेड़खानी की घटनाएं नहीं होंगी, बिल्कुल रामराज आ जाएगा, ये कल्पना उत्तर प्रदेश की जनता ने करके इनको जनादेश दिया। लेकिन वो इतने कम समय में, मैं मेरा व्यक्तिगत मत था कि मैं 6 महीने तक उत्तर प्रदेश सरकार की बुराई नहीं करूंगा, 6 महीने इनको मैं मौका देने का काम करूंगा, लेकिन इतने कम समय में 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जिस तरह से असफल साबित हुई, जिस तरह से लाचार साबित हुई, आप एक तरफ उत्तर प्रदेश के की ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को, नई सरकार आई, ये लोगों को लगा कि हम बदल दिए जाएंगे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। आप 2 महीने तक उनको बदल भी नहीं रहे हो, उनको लग रहा है कि हम तो बदले जाएंगे, हम क्यों काम करें, और आपने एक तो बदला, देर में बदला, एक ये भी कारण रहा। लेकिन आज जो स्थिति है, जिस तरह यमुना एक्सप्रेस वे पर घटना हुई, जिस तरह मुजफ्फरनगर के अंदर घटना हुई, आप रामपुर की घटना का उदाहरण दे रहे हो, मैं बाराबंकी की घटना का उदाहरण दे रहा हूं, कितना बीभत्स वहां पर हुआ, अब ये कहा जाए कि रंजिश बस हुआ या जो भी हुआ, आज गोंडा के उमरी बेगमगंज का एक प्रकरण मेरे सामने आया, इसी तरह का प्रकरण रहा कि जो है उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं आज इतने कम समय में, कि सहारनपुर की घटना ले लीजिए, बुलंदशहर की ले लीजिए, नोएडा की ले लीजिए, बाराबंकी की ले लीजिए, जो घटनाएं हो रही हैं वो इस बात का प्रतीक है कि जो अभी बनर्जी साहब कह रहे थे कि इकबाल, उत्तर प्रदेश सरकार का इकबाल अपराधियों के मन में बिल्कुल नहीं रह गया है, इसलिए घटना हो रही है, और सरकार को अपना इकबाल कायम करना पड़ेगा। ऐसा दारापुरी साहब, ऐसा दारापुरी साहब आपके पास, जी ठीक है, अनिल जी वापस लौटूंगा। ऐसा दारापुरी जी, जब सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए जाते हैं और ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जी दारापुरी साहब, जब सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए जाते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, सरकार के संकल्प पत्र में लिखा जाता है कि भाई 40 दिन के भीतर जो भी अपराधी होंगे वो सारे जेल के अंदर होंगे, उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी कि ताबड़तोड़ तरीके से अपराध हो रहे हैं, तो या तो नियम कायदे फॉलो पुलिस नहीं कर रही या फिर सरकार करवा नहीं पा रही, क्या चीज है? देखिए, इसमें खास बात यह लगती है कि सरकार ने आते दावे तो बहुत किए, घोषणा भी बहुत की, परंतु उन चीजों को जमीन पर कैसे लागू करना है, कैसे कराना है, ये कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। आप ये एंटी रोमियो स्क्वाड वाला जो था, बड़ा इसका हल्ला गुल्ला किया गया, उसके उसका जो नेट जो रिजल्ट दिखाई दे रहा वो तो ये था कि उसके द्वारा जो शरीफ लोग थे या जो कि जो सामान्य तौर पर अपने संबंधों से मिल रहे थे या कुछ भी था, सबसे ज्यादा वो परेशान हुए, बेइज्जत हुए, और जो इस प्रकार के तत्व जो आज रामपुर में दिखाई दे रहे हैं, जो खुलेआम बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर लड़कियों को घेर रहे हैं और वो कह रहे हैं, ऐसे तत्वों पर तो कोई असर नहीं हुआ। तो इससे ये लगता है कि सरकार ने जो घोषणा की उनका असर जो है उनको ना तो सही ढंग से लागू किया गया, उनको गलत दिशा में ले जाके वो प्रचार किया गया, और दूसरा ये जो है ऐसे लोगों में कोई भय भी पैदा नहीं हुआ। तो इससे ये लगता है कि सरकार का जो इकबाल जिसको कहते हैं वो इकबाल सही रूप में स्थापित नहीं हो पाया, वो घोषणों तक ही सीमित होकर रह गया। और जो आप पुलिस की बात कर रहे थे, मुझे तो लग रहा है कि पुलिस आज जो पुलिस है वो पूरा नहीं समझ पा रही कि उनको क्या करना क्या नहीं करना। उदाहरण के लिए इधर पुलिस के साथ उसकी बेइज्जती करना, मारपीट करना, उनको ये करना, ये सबसे ज्यादा घटनाएं सत्ताधारी के जो नेता है, सत्ताधारी पार्टी के जो नेता है उन्होंने किया। सहारनपुर में वहां के सांसद महोदय एसपी के दफ्तर में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बेडरूम तक घुस जाते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता और एसपी का ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही अभी 2 दिन पहले मुरादाबाद में घटना में देख रहा था
कि सत्ताधारी पार्टी का एक पदाधिकारी वो थाने में घुस के एक इंस्पेक्टर को मारता है, और धरने पर बैठ जाता है। ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण है, मेरठ है, दूसरे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा माहौल बिगाड़ने का काम सत्ताधारियों ने खुद किया और जिसके कारण पुलिस वालों का मनोबल जो है वो गिरा हुआ है और वो अनिर्णय की स्थिति में है। ठीक है सर, वापस नरेंद्र सिंह राणा, यहाँ पर आपसे मैं जवाब चाहूंगा कि जीरो टॉलरेंस की आप लोग बात करते हैं, कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसके बावजूद कैसे ये चीज होती है? उधर अपराध भी लगातार हो रहा है, इधर आपके जो कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक है, वो पुलिस वालों पर हावी भी है। इससे तो बहुत स्पष्ट हो गया ना कि हमारे कार्यकर्ता यानी सत्तारूढ़ पार्टी का जो काम टेलीफोन पे हो सकता है वो जाके धरना देगा क्या? मैं फिर आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि घटना को दोनों तरफ से देखिए, कि ऐसा नहीं है कि किसी को छूट दे दी गई है कि वो कानून को अपने सर, दोनों पहलू आप खुद दिखा दीजिए। अगर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, मैं बिल्कुल जी, आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम तो रोज देखते हैं हमारे प्रदेश कार्यालय। बताइए दूसरा पहलू क्या है? पर डे हमारे यहाँ जन अदालत लगती है। मैं दूसरा पहलू यही बता रहा हूँ कि कानून में किसी को भी, वो सत्तारूढ़ पार्टी का हो या विपक्ष का हो या अपराधी हो, जो जैसा अभी बनर्जी साहब ने कहा कि कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई हो सकती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है जी। वरना ये घटनाएं क्यों हो रही है? हाँ। पहले नहीं कि कोई किसी को कोई उसमें छुड़ाने गया है या कोई पकड़ लिया, लेकिन वहां भी पुलिस को कहा गया है विवेचना करें। अगर अगर सरकार की तरफ से कोई वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, सरकार की तरफ से कोई एक नई ऐप बनाई जाती है तो बढ़ चढ़कर उसका प्रचार होता है। 3 साल पूरे हुए, किस तरीके से प्रचार किया ये भी हम लोगों ने देखा। तो जब कानून व्यवस्था के ऊपर आपके ऊपर आरोप लगते हैं और वहां पर आपने काम किया हुआ है तो वो चीज जनता के सामने क्यों नहीं है, उसका प्रचार क्यों नहीं कर रहे आप, बताइए आप उस चीज के लिए। आप पूरी सरकार को देखिए ना, मैं आपको जैसे आपने कहा घोषणा पत्र का, तो हमने जन संकल्प विकास पत्र में ये पहले दिन किया कि किसानों की कर्जा माफी करेंगे, अवैध शेल्टर हाउस बंद करेंगे, एंटी रोमियो दल बनाएंगे, क्या नहीं किया क्या? गन्ना किसानों का भुगतान वापस करेंगे, कानून व्यवस्था ऐसी। गन्ना किसानों का भुगतान आपने वापस किया, उसमें लिमिटेशंस आपने लगा दी, एंटी रोमियो स्क्वाड आपने किया, उसके दुष्परिणाम सामने आए, 1.5 महीने बाद 4 लाख राशन कार्ड, शेल्टर हाउस बंद करने के ऊपर कैसे लोगों को राशन मिले, मेरी बात सुन लीजिए। सरकार ने जो किया मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से राशन कार्ड फर्जी थे, 4 लाख निरस्त किए, नए बने, जगह जगह ये नहीं कि कोई वंचित ना रह जाए, अनाज जो सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपका कितना कंट्रोल है ये समझा दिए। कानून व्यवस्था की बात जी, ये कानून व्यवस्था का काम जो पुलिस अधिकारी जहां भी कहीं कमी पा गई या वो ठीक नहीं कर पा रहे, ये बात मैं सहमत हूं दुबे जी की कि उनका स्थानांतरण पहले हो जाना चाहिए, लेकिन हमने कोई किसी से बदले की भावना के लिहाज से काम नहीं किया। लेकिन एक बात मैं फिर जो मैंने शुरू की थी कि हम किसी भी सूरत में, हमने रेत पे नहीं लिखा है, पत्थर पे लिखा है कि POP ये नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ही हमारा आईना है, हमारे पास दूसरा ना जातिवाद है, ना भ्रष्टाचार है, ना परिवारवाद है, हमारा केवल और केवल परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स, जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कार्यकर्ता हो, जो जिस लेवल पे करना है उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है अजय कुमार सर, आपके पास में आऊंगा, स्थिति को अगर विश्लेषण के तौर पर देखा जाए तो जो बातें नरेंद्र जी कह रहे हैं वो सिर्फ बयानों तक सीमित रहती है, वो सिर्फ वादों तक सीमित रहती है, जमीन पर कुछ दिख रहा है क्या? बयान अजय जी अनंत देखिये, इस चर्चा के दौरान दो चीजें सामने आई हैं, एक पुलिस का इकबाल, दूसरा सरकार का इकबाल। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार और एक सरकार और भारतीय जनता पार्टी की 1991 में बनी थी जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये नौकरशाही उस बेलगाम घोड़े की तरह है, अगर उस पर बैठने वाले सवार के रानों में दम नहीं है और रास खींचने की ताकत नहीं है तो ये नौकरशाही घुड़सवार को पटक देगी जी। स्थिति क्या है? ठीक है योगी आदित्यनाथ 4 बार के सांसद रहे हो लेकिन प्रशासनिक क्षमता उनके अंदर नहीं है जी। ये साबित हो गया या फिर उनको सलाह देने वाले कौन लोग हैं? एक बात अनंत मैं बताऊंगा, अभी 15 मई को राज्यपाल ने एक अभिभाषण दिया विधानसभा के अंदर दोनों संयुक्त सत्रों में जी। और अभिभाषण में यह दर्शाया गया
कि जो इनका संकल्प पत्र था उसमें था कि 31 मार्च 17 तक के किसानों का कर्ज माफ होगा जी। और घोषणा पत्र में क्या दिया 31 दिसंबर 16 तक। इतना बड़ा ब्लंडर और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, कोई अधिकार, राज्यपाल नाराज हो गए इस पर कि किसने हमारा भाषण बनाया। सरकार बनाती है, सरकार के अधिकारी बनाते हैं। एक मैसेज और गलत गया, आपने पेट्रोल पंपों पर छापा मारा, पेट्रोल पंप सीज किए और गिरफ्तारी के नाम पर आप पीछे हट गए। बाद में जब हाईकोर्ट मैसेज किया जाता, सवाल है मैसेज जाना चाहिए, आप क्या संदेश दे रहे हैं। इतने कार्यकर्ताओं ने, आपके विधायकों ने, चाहे गोरखपुर की घटना हो, सहारनपुर की हो, जो पुलिस के विरुद्ध किया आपने, क्या कार्रवाई की? केवल बुला करके बातचीत करना है, नतीजा नहीं है। प्रशासनिक देखिए, कोई भी नेता हो, नेता उसमें नेतृत्व की क्षमता, उसकी नीतियां और निर्णय लेने की क्षमता, तत्काल निर्णय ले। आप देखिए अनंत 542 IPS है, IAS है, 1212 जो है PCS है, 478 IPS है, 1250 IPS है, PPS है। इनको आपने ताश के पस्ते तक तरह फेंक दिया, आधे से ज्यादा आपने ट्रांसफर कर दिए। लेकिन नीचे का तबका पुलिस का, जिसके बारे में कहा जाता था कि विधायक के कहने पर वहां पोस्ट हुए थे, जिला अध्यक्ष के कहने पर पोस्ट किए थे, वो तो सब वहीं के वहीं हैं जी। और वो ये कहते हमें तो जाना है, अरे भाई हमें तो हटना ही, वो माने हुए। इसी तरह आपको बताऊं, आबकारी अधिकारी प्रदेश के सब वही पुराने के पुराने हैं, कहते जब मुझे हटना है तो जाते जाते 10-20 लाख और वो तोड़ ले, बाहर से शराब हम मंगवा कर चाहे जितना बेचे। तो ये एक प्रशासनिक क्षमता, मैं तो कहूंगा कि अगर प्रशासन है तो उसका इकबाल, मुख्यमंत्री का इकबाल, आप उसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर लेते जिसने राज्यपाल के भाषण में इतना बड़ा ब्लंडर जी। मैं 40-45 साल से पत्रकारिता देख रहा हूं, लेकिन कभी इतना बड़ा राज्यपाल को शर्मिंदा होना पड़ा इसमें? तो ये स्थिति जब है, आप पेट्रोल पंपों पर छापा होता है, आप कार्रवाई नहीं करते, हाई कोर्ट को उसका इंटरवीन करना पड़ता है, तो ये व्यवस्था है। मैसेज अगर नहीं जाएगा नीचे तक, संदेश नहीं जाएगा, आप चाहे जितने ताश के पत्ते की तरह अधिकारियों को पेट दीजिए। और जिस तरह की बातें उठने लगी है, एक वर्ग विशेष की पोस्टिंग और ये चर्चाएं शुरू हो गई, बिल्कुल एक दो महीने मंत्रिमंडल से लेकर अधिकारियों की नियुक्ति तक हर जगह यही चर्चा है। निश्चित रूप से चर्चा है, हम लोग समाज में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, सुनाई पड़ता है। अब उसको हम किस तरह से कहें, जनता चर्चा करने शुरू कर दी कि क्या हो रहा है जी। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। ओंकारनाथ जी, ओंकारनाथ जी, कहा जा रहा है नरेंद्र सिंह राणा की तरफ से कि भाई साफ निर्देश है, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी तक ही साफ संदेश नहीं पहुंच रहा है, ब्यूरोक्रेसी ही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है जो निर्देश दिए गए हैं, तो आम जनता के बीच में संदेश तो कैसे जाएगा फिर? यही तो अनुभवहीनता दर्शाती है जी, सरकार की अनुभवहीनता यही दर्शाती है जी। आप एक बात बताइए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ में है, पहले पोस्टिंग उसकी हुई है, मान लीजिए आपने उसका ट्रांसफर कर दिया और उसको आपने कहीं स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बना दिया, तो क्या आपके अंजर में नहीं रहेगा वो जी? आपका ही तो एम्प्लॉई रहेगा भाई जी, आपका ही अधिकारी रहेगा। हाँ। तो आप ऐसा मैसेज क्यों देते हैं कि आप जो है फलाने पार्टी के लोगों के साथ के हैं और हम आपको आपको सजा वाली पोस्टिंग देंगे? तो जब आपने पहला मैसेज ये दिया तो वहीं पर आप समझिए कि आप गच्चा खा गए जी। कभी भी अपने काम करने वाले साथी के साथ सबको बुलाते कहते भाई सरकार गई, अब आप हमारे साथ हो जी, आप हमारे हाथ पैर आंख नाक वो विश्वास ब्यूरोक्रेसी के अंदर पैदा करना चाहिए था सरकार को, और वैसा विश्वास जनता के अंदर पैदा करना चाहिए था। सर मैं वापस लौटूंगा ओंकारनाथ जी, एक ब्रेक लेते हैं, हमको यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, जल्द चर्चा को लगातार जारी रखेंगे, जल्द वापस लौटते हैं।